ये महाराज दशरथ और कौशल्या कोई साधारण नहीं है। सत्यों में मनु और शत्रुपा थे, इन्होंने कठोर तपस्या किया। तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, भगवान आए। जो चाहो सो मांग लो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। दोनों की वाणी से एक ही शब्द निकला, भगवान आप मांगने की कह रहे हैं तो हम मांग लेते हैं, हमको आप जैसे पुत्र की आवश्यकता है, आप जैसा पुत्र हो जाए हमारे। भगवान भी साफ जाके कह देते हैं जो चाहो सो मांग लो, क्योंकि जानते हैं भगवान वही संसार के वही खिलौने मांग लेता है। संसारी के गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो देने को तैयार। पर कभी कभी ऐसे भगत के चक्कर में फंस जाए कि वो भी सोचने में मजबूर हो जाए। वो ऐसे भगत तो नहीं थे कि संसार के खिलौने मांगने वाले। उन्होंने कहा हमको केवल आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान भी चक्कर में पड़ गए, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। भगवान ने कहा कि मैंने वचन दिया है, इसलिए वचन से मैं बंध गया हूं, लेकिन इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। वही त्रेता में दशरथ और कौशल्या बन के आए।